हेलो फ्रेंड्स, मैं डेविल यादव आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी के आपके अपने यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद यानी उत्तर प्रदेश बोर्ड के बारे में। फ्रेंड्स, अगर बात करें यूपी बोर्ड की, तो जो स्टूडेंट दो या दो से अधिक सब्जेक्ट्स में फेल होते हैं उन्हें कंपार्टमेंट एग्ज़ाम देना होता है, और जो स्टूडेंट सिर्फ एक सब्जेक्ट में ही फेल है वो इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम दे सकता है। फ्रेंड्स, ये जो सिस्टम है क्लास ट्वेल्थ में इस साल से ही लागू किया गया है, यानी अगर आपका मार्क्स कम आया है एक सब्जेक्ट में तो आप उसको दोबारा दे सकते हो। तो अभी का न्यूज़ ये है कि यूपी बोर्ड ने एडमिट कार्ड जारी कर दिया है, यानी अपलोड कर दिए, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। तो एडमिट कार्ड को डाउनलोड कैसे करना है मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, यानी जैसे एक वीडियो के नीचे आप जैसे उसका पूरा ओपन करोगे तो वहाँ पे एक लिंक मिलेगा, हरे कलर का रहेगा, आप उस पर क्लिक करना और उसके बाद मैं उसके आगे का प्रोसीजर बताता हूँ। फ्रेंड्स, आप जैसे ही दिए हुए लिंक पे क्लिक करोगे आप इस पेज पे आ जाओगे, और इस पेज पे आने के बाद आपका जो पूछा है परीक्षा का प्रकार, अगर आप टेंथ में हो गए तो टेंथ वाला, अगर ट्वेल्थ में हो गए तो ट्वेल्थ सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद आप अपना ज़िला सेलेक्ट कर लेना कि आप कहाँ के रहने वाले हो, तो आप यहां से अपना ज़िला सेलेक्ट करिएगा, और यहां पे आप देख रहे हो आपका जो ज़िला होगा वो आप सेलेक्ट कर लेना। जैसे मान लीजिए मैंने वाराणसी सेलेक्ट कर लिया। मैं अभी कोई अपना रोल नंबर लिख देना यहां पे, और सुरक्षा कोड जो यहां पे दिया हुआ है ये यहां पे लिख देना। फ्रेंड्स, अगर ये आपको समझ में ना आ रहा हो कि कोड क्या लिखा है तो रीलोड पर क्लिक कर देंगे तो ये बदल जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप जैसे ही इन चारों चीज़ों को फिल कर लेना, आप डाउनलोड एडमिट कार्ड पर क्लिक कर दीजिएगा। अभी मेरा जो है वो फिल नहीं हुआ है, और ना ही मैंने क्लास टेंथ या ट्वेल्थ का कोई कंपार्टमेंट एग्ज़ाम फिल किया था, और ना ही मेरे पास कोई नंबर है, तो मैं इसको छोड़ देता हूँ। आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।